हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो आज मैं फिर से कमाल का प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि है फिलिप्स की हुई गो स्मार्ट लाइट। तो ये एक स्मार्ट लाइट है जिसको आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, अलेक्सा से कंट्रोल कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट से कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसके लिए एक अलग से फिलिप्स हुई ब्रिज लेना पड़ता है। वो खैर मैंने नहीं लिया है, तो वो भी मैं आगे बताऊंगा इस बारे में। तो बेसिकली स्मार्ट होम आजकल बनाने का एक चलन बन गया है, तो आप अपने फ़ोन से ही लाइटों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफ़ी क्रेजी इफेक्ट इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं इस लाइट में, और ये वायरलेस लाइट है, इसमें इनबिल्ट बैटरी भी है, तो आपको हमेशा इसको तार से लगाने की जरूरत नहीं है। प्राइसिंग की बात करें तो 7 से 8 हज़ार रुपये इसका प्राइस है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों वो पोलैंड के अंदर होती है, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। फिलिप्स हुई के अंदर काफ़ी सारी लाइट स्मार्ट लाइट्स बनाता है, यही नहीं काफ़ी सारी स्ट्रिप लाइट्स भी आती हैं, ट्यूब लाइट्स भी आती हैं। और इसके बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलिप्स हुई की ब्रांडिंग है, वाइट एंड कलर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, पोर्टेबल है, कंट्रोल योर वे, नेचुरल डायनेमिक इफेक्ट आपको मिलते हैं। पीछे की तरफ भी ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं। एलईडी है, 6 वॉट की ये लाइट है, 300 ल्यूमिनस इसमें है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो चलिए जल्दी से दोस्तों इस बॉक्स को ओपन करते हैं, और उसके लिए हमें मदद लेनी होगी अपने खूनी खंजर की। तो जल्दी से इसकी मदद लेते हैं और इसको हम जल्दी से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको खोल देते हैं इस डब्बे को। तो यहाँ पर ये बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है, ह्यूई पर्सनल वायरलेस लाइटिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाला है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट वेट है, वेट कोई ज़्यादा नहीं है, पूरा प्लास्टिक की बिल्ड है इसकी। और यहाँ पर साथ में हमें एडेप्टर मिल जाता है दोस्तों, जिससे कि हम इसे चार्ज कर सकते हैं या फिर इसको लगा कर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर लंबी वायर मिल जाती है, तो आप इजीली कहीं भी रख पाएँ, और कनेक्टर काफ़ी लंबा है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें एक बुकलेट मिल जाती है, इसमें सारी जानकारी इसके रिलेटेड दी गई है, तो उसको पढ़ना थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी है। यहाँ पर सारी इफेक्ट के बारे में बताया गया है, जैसे कोजी कैंडल इफेक्ट मिलता है, संडे सॉफ्ट मिल जाता है। उसके अलावा ये आप बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 2x आप अगर इसको होल्ड करते हैं तो उसके अंदर डबल क्लिक करके होल्ड करते हैं तो आप डिफरेंट मोड में वो कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा सिंगल क्लिक में भी कलर चेंज होता है, और यहाँ पर आप इसको दबा के रखते हैं 10 सेकंड तक तो ये ऑफ हो जाती है, या फिर स्टैंड बाय मोड में जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आप लाइटिंग में लगा के रखते हैं तो कितना आपको बैटरी मिलता है या कितना देर ये चलती है, सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों बताई गई है। तो एक बार इस बुकलेट को पढ़ लेना, वैसे मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर और देखते हैं, ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसको फ्लिप्स हुई ब्रिज की जरूरत पड़ती है हमें। अगर आपके पास फ़ोन है और आप डायरेक्टली इसका लाइट कंट्रोल करना चाहते हैं फ़ोन से, तो ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि फ़िलिप्स के हुई ब्रिज की जो कीमत है वो तकरीबन 5,000 रुपये के आसपास पड़ती है, तो ये थोड़ी सी मेरे को बुरी बात लगी। अब लाइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की यहाँ पर लगती है, प्योर वाइट है यहाँ पर, और साइड में प्लास्टिक जो है वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड नहीं कहूँगा, ठीक ठीक ही है, पर चीप नहीं महसूस होती है। मटेरियल तो अच्छा लगा है, पर खैर उतनी सॉलिड नहीं प्रतीत होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का लगता है कि जिस तरह से मोम जो है मोमबत्ती में होता है, उस तरह का मोम जो है पूरी प्लास्टिक में भर दिया गया है, इस तरीके की फील जो है ये लाइट देती है। ऊपर से प्लास्टिक टिक टिक करती है, जिस तरह थोड़ी सी हल्की हो। और यहाँ पर जो है आप अपना जो एडेप्टर है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, पिन जो है लंबी रखी गई है थोड़ी सी। और पीछे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसकी मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और नीचे एक स्टैंड दिया गया है जिसके कि जिससे कि मदद से आप इसको खड़ा करके रख सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मली भी रख सकते हैं, तो डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा करना चाहते हैं। सिंगल ही बटन है, तो कोई और बटन यहाँ पर नहीं दिया गया है अभी फ़िलहाल, इसके अंदर किसी भी तरह का पावर नहीं है, तो ये जो है ऑन नहीं हो रही है। तो मैं आपको अभी लाइटिंग लगा कर दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये जलती है। तो चलिए जल्दी से मैं इसको पावर से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा लंबा रखा गया है ताकि इजीली निकले नहीं, इसकी कोड भी काफ़ी लंबी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो हमारी लाइट है इस टाइम ऑन हो गई, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइटिंग और इफेक्ट इसके अंदर आते हैं, तकरीबन 6 से 7 कलर कुछ हैं जो इन्होंने प्री बिल्ड इसके अंदर दे रखे हैं, तो आप बटन दबा दबा के उनको चेंज कर सकते हैं। अलग अलग इफेक्ट हैं, कोजी कैंडल इफेक्ट हमें मिलता है, संडे कॉफ़ी इफेक्ट हमें यहाँ मिल जाता है, उसके अलावा मेडिटेशन के लिए यहाँ पर हमें इफेक्ट मिलता है, और इसके अलावा एक एनहांस एक फॉरेस्ट करके है वो इफेक्ट मिलता है, और एक नाइट एडवेंचर करके हमें जो है यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर पिन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लंबी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब आप देख सकते हैं कि चार्ज हो गई है, तो पहले चार्ज नहीं थी, तो आप इसको वायरलेसली भी उठा के ले जा सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट जो है आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग कि आप किस तरह का इफेक्ट आपको पसंद है। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो उस हिसाब से आप वहाँ पर लाइटिंग करना चाहते हैं तो वैसा रख सकते हैं।
अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब ये प्लग से लगा रहता है लाइट तब ये 100% ब्राइट रहता है, और जब आप इसे वायरलेसली यूज़ करते हो तो ये 40% ब्राइट होता है, यानी कि ये फुल ब्राइटनेस नहीं देगा बैटरी बचाने के लिए जब ये वायरलेसली काम कर रहा होगा, जब वायर नहीं लगी होगी। और जब वायरलेसली ये काम करता है तो 3 घंटे का ये बैकअप आपको देता है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइटिंग जो है सिंगल टैप करके मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और 1.5 घंटा लेता है तकरीबन फुल चार्ज होने में, 3 घंटे का बैकअप हमें ये देता है। तो आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट इफेक्ट यहां पर आ रहे हैं, और आप लाइटिंग जो है यहां पर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको दबा के रखता हूं और डबल क्लिक करता हूं और दबा के रखता हूं, डबल क्लिक करके दबा के रखता हूं, होल्ड करके रखता हूं, तो ये बहुत सारी लाइटिंग मुझे दिखाता है। और जिस भी लाइट को आपको सेट करना है तो उस लाइट पर आकर आपको ये बटन को रिलीज कर देना होगा। इससे आपको हुआ कि जो ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट कलर को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर 16 मिलियन हमें कलर्स मिलते हैं, तो जो प्री सेट में कलर आते हैं उसमें बहुत सारे कलर नहीं आते हैं। तो इस तरीके से आप जो है बहुत सारे कलर को यहां पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसे 2 सेकंड तक प्रेस करते हैं तो स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा, और 10 सेकंड तक प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। अब मैंने यहां पे इसको दीवार पे लाइटिंग को इफेक्ट लाइटिंग का दीवार पर लाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है, तो आप भी अपनी दीवारों पर इस तरीके का लाइटिंग इफेक्ट ला सकते हैं, तो कूल इफेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की लाइटिंग यहाँ पर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि इसके अंदर बात करते हैं तो 6 वॉट का जो लाइट इसमें लगा हुआ है, और 2000 to 65000 K तक ये जाता है। उसके अलावा दोस्तों मैं बताऊं कि 20,000 घंटे तक ये लाइट जल सकती है, और 50,000 बार इसे चालू या बंद आप कर सकते हैं, ये कंपनी का दावा है। काफ़ी पोर्टेबल है दोस्तों ये लाइट, लाइट वेट भी है और एनर्जी भी बचाती है, एनर्जी एफिशिएंट है, इनकी जो की जो लाइटिंग होती हैं वो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। बस काफ़ी अच्छी लाइट है, बट थोड़ा सा इसका प्राइस जो है मुझे ज़्यादा लगा, और एक चीज़ मुझे लगी कि हमें अपने फ़ोन से लाइटिंग कंट्रोल करने के लिए हुआई के ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी महंगा है। अगर सस्ता होता तो शायद वो ले भी लेते लोग, पर 7 से 8 हज़ार रुपये एक लाइटिंग पे लगाना नॉट वर्थ इट, जब तक आपको लगे कि आपको इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं चाहते हैं जो कि बहुत मतलब आपके काम में आ पाए लाइट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मनी होती है 7 से 8 हज़ार रुपये, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। आप इसे अपने सेटअप में यूज़ करना चाहते हैं या फिर कहीं अपने डेस्क में यूज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसा बात नहीं है कि ये जितने पैसे आप दे रहे हैं उस हिसाब से आपको क्वालिटी भी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आप फ़ौरन से मंगाते हैं, अदर कंट्री से मंगाते हैं, तो वहाँ पे प्राइस थोड़ा सस्ता है, आई थिंक 5000 के आसपास मिल जाती है, 4 to 5000। यहाँ पर इंडिया में थोड़ा सा प्राइस इसका ज़्यादा है। तो दोस्तों खैर, ये थी हमारी फ्लिप्स की हुई गो लाइटिंग के ऊपर वीडियो। मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी है, और अगर आप ये लेते हैं तो आप किस तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहेंगे। तो खैर दोस्तों, आज की हमारी पहले मैं आपको बता दूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों, आज की हमारी वीडियो खैर यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह की और वीडियोस के लिए शेयर करें। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।